नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। पंचायत के समस्त निर्माण कार्यों में सरपंच सचिव द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचारी कर यहां की विकास गाथा लिखा गया। चाहे वह मेट बंधान सीसी सड़क निर्माण कार्य हो, ये हितग्राहियों की योजनाओं की बात क्यों ना हो, लगातार सरपंच सचिव द्वारा शासन प्रशासन की तमाम सारी योजनाओं पर जमकर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। स्थानीय ग्रामीण नागरिकों का कहना है कि पोकलेन डेम बनाया गया, वह निर्माण कार्य में लीपापोती, ना शमशान घाट है, ना कोई चबूतरा निर्माण किया गया, ना ही कोई शासन की योजना के बारे में जानकारी नहीं दी जाती। इंदिरा आवास योजना का भी ग्रामीणों को लाभ नहीं मिला। संबंधित जिला प्रशासन अधिकारी 2015 से 2024 तक के समस्त निर्माण कार्यों की बारीकी से जांच कराई जाए, जिससे सरपंच सचिव के भ्रष्टाचारियों के कारनामे उजागर हो सके। जब भी इसमें ग्रामीणों द्वारा आवाज उठाई जा रही थी, आवाज को दबाने का काम सचिव सरपंच महोदय द्वारा किया जाता रहा है। जिस तरह से ग्राम पंचायत में शासन की तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन उन हितग्राहियों को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाया, ना ही गाँव विकास में कोई ऐसी व्यवस्था दिखाई जिससे पंचायती राज अधिनियम के तहत गाँव का कुछ विकास हो सके। हालांकि सचिव और सरपंच महोदय की अगर जांच कराई जाए तो लाखों रुपए के कारनामे उजागर हो सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा क्या इस पर संज्ञान लेकर जांच का विषय है। संवाददाता शुभम सहारे छिंदवाड़ा। तो आपने पंचायत में बोले कि नहीं बोले? तो क्या किए उन लोगों ने? कोई सुनवाई नहीं की क्या? किसको बोले थे आपने? उसके ऊपर का कहा गया? सरपंच को, सचिव जी को? और क्या परेशानी यहाँ पर? सुनो एक मिनट भैया, बोल रहे मशान घाट, शमशान घाट का मतलब है तो शमशान घाट के बारे में थोड़ी जानकारी बताओ। एक सेकंड, दादा दादा पैसा पूछ रहे हम, पैसा कहाँ का? चलो काका, हाँ पूछ रहे, बताना है शमशान घाट जो स्वीकृत हुआ है आप लोगों का, तो वो अभी तक बना नहीं क्या? सुदूर सड़क तो पास हो गई, बनने का था सुदूर सड़क, तो बनी नहीं क्या अभी तक? कब स्वीकृति हुई है इन सब की? पिछले साल, 2023 में। अजय, जब 2024 चल रहा है अभी तक नहीं बनी है? हर्रा कछार की पानी टंकी, ये कहा गया कनेक्शन नल का पूरा, जो 20 घरों के लिए एक सिंटेक्स टंकी लगवाई गई है। काला वाला